दीपावली में ऑनलाइन कारोबार बूम कर रहा है। सामान्य दिनों की अपेक्षा 20-30% सामानों की बुकिंग अधिक हुई है। युवाओं में इसके बढ़ते क्रेज से कारोबारियों की चिंता बढ़ गई है। अब देश भर में ज्यादातर खरीदारी ऑनलाइन हो रही है। इस बार दीपावली को लेकर बुकिंग कराने वालों की संख्या काफी बढ़ गई है। इसका कुल कारोबार करोड़ों करोड़ में है। ऑनलाइन मोबाइल फोन, आईपैड, डिजिटल कैमरा, फर्नीचर, जूता चप्पल, बेल्ट, आयुर्वेदिक दवा सहित अन्य सामानों की मांग में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। कुछ शॉपिंग कंपनियों के अपने कार्यालय हैं, तो कुछ डाकघर और कूरियर के माध्यम से उपभोक्ताओं तक सामग्री पहुंचाते हैं। दिवाली पर फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील विशेष छूट दे रहे हैं, जो उपभोक्ताओं को काफी पसंद भी आ रहा है। ऑनलाइन मार्केटिंग के कारण देश भर के डाकघरों में पार्सल हब बढ़ने लगे हैं। ऑनलाइन मार्केट के बढ़ने का मुख्य कारण इंटरनेट यूजर्स की संख्या में हुआ बड़ा इजाफा है। डाकघर के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हैं। एक सर्वे के मुताबिक 90% खरीदार 35 वर्ष से कम उम्र के लोग हैं। वहीं 40% ऑनलाइन खरीदार 18 से 25 वर्ष के युवा और 50% 26 से 35 वर्ष के लोग हैं, जबकि 36 से 45 वर्ष के आयु वर्ग में ऑनलाइन खरीदारी करने वालों का हिस्सा 8-10% रहता है। न्यूज इंडिया के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।